मेरे साथ इस पर बहुत ही एक होनहार और टैलेंटेड लड़की मौजूद है जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है और म्यूज़िक से लगाव जो है वो जुनून की हद तक है और मैडम नूर जहां से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। तो बारीना नदीम से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बारीना नदीम, ये बताएं कि ये म्यूज़िक का शौक़ आपको कब से शुरू हुआ है? मुझे 2 ईयर्स हो गए सुल्तान म्यूज़िक अकेडमी से सीखते हुए। मैं 4 ईयर्स की थी, मुझे नातों का बहुत शौक़ था, तो फिर मेरे पापा ने मेरे लिए प्रॉपर एकेडमी ढूंढी जिसमें हमें सर जियाउल हक सिखाते हैं सुल्तान म्यूज़िक अकेडमी में। उसी अकेडमी से आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं म्यूज़िक की? मैं रोज़ाना 2 घंटे रियाज करती हूँ सुल्तान म्यूज़िक अकेडमी में। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 6th क्लास में। तो पढ़ाई के साथ साथ ये म्यूज़िक की क्लासेस लेना अब आराम से वक्त मैनेज हो जाता है? जी बिल्कुल, मतलब हमारी जो सी टीचर्स हैं वो हमें खुद कहती हैं कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो वो हमें खुद मतलब प्रमोट करती हैं आगे आगे। अगर नातों वगैरह के कंपटीशन हो फिर वो हमें आगे आगे करती हैं कि भाई तुमने फर्स्ट आना है, तो इसलिए फिर मेरी टीचर बहुत मुझे सपोर्ट अच्छा करती है। मैडम नूर जहाँ से इंस्पिरेशन की क्या वजह है आपकी? मैं मैडम नूर जहाँ को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ क्योंकि कि वो जो भी सॉन्ग गाती थी दिल से गाती थी और मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग याद करती हूँ। तो आप मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग्स को कितने अच्छे से सुन रही हैं? मुझे 2 ईयर्स हो गए हैं सुनते हुए। 2 ईयर्स हो गए सुनते हुए, और शौक़ कब पैदा हुआ कि मैं इनके गानों को गाऊँ और म्यूज़िक सीखूँ? मुझे शुरू से ही उनके गाने बहुत अच्छे लगते थे, मैं उनकी आवाज़ सुनती थी, मुझे बहुत उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। मैडम नूर जहाँ का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? मुझे जद होली जी लेने में गाना सुना दीजिए। हाय हाय जदों होली जई लेने मेरा ना, जदों होली जई लेने मेरा ना, मैं था मर जानिया, है मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेने मेरा ना, मैं था मर जानिया, है मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेने मेरा ना, ज़बरदस्त। आपने किसी गायकी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया? जी मैंने 2 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। पहले मैंने किया था मिली नगमों में सॉन्ग, मिली नगमों का कॉम्पिटिशन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ भी उससे हासिल किया, और मैंने कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस से भी फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था।
अच्छा ये बताएं, ये जो आपने म्यूज़िक का जॉनरा सेलेक्ट किया है क्लासिकल, ये बड़ा अमूमी तौर पर मुश्किल समझा जाता है, तो कोई मुश्किल पेश आ रही है क्लासिकल सीखने में, या आप शौक़ की वजह से आसान लग रहा है? मुझे तो बहुत आसान लगता है, मेरे सर इतनी अच्छी तरह मुझे सिखा देते कि मुझे फिर अगली दफ़ा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लासिकल, मुझे बहुत पसंद भी है और मैं बहुत आसानी से सीख जाती हूँ। अच्छा, आगे आपके क्या एम्स क्या हैं और टारगेट्स क्या हैं? मैं तो सबसे पहले बड़ी होकर सिंगर बनना चाहती हूँ, और सिंगर बनना चाहती हूँ मैडम नूरजहां जैसी। अच्छा जी, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप करूँगी। करोगी जी। अच्छा, अपना कोई फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है? मैं आपको सुनाऊंगी बारी। मरीना, ये बताएं कि आपके अंदर जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, चाहे उनकी एज आपके जितनी हो या बड़े हों, वो सिर्फ गाना गा रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपके अंदर जो चीज़ नोटिस की है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो लिरिक्स का साथ दे रहे हैं, इसी तरह जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा कंपोज्ड है, और ये तीनों चीज़ें जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा, इनकी कॉम्पोजिशन बहुत ज़बरदस्त है, तो ये म्यूज़िक के साथ साथ आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी सीखती हैं? जी, हमारी एकेडमी सुरताल म्यूज़िक एकेडमी में हमारे जो सर ज़ियाउल हक हैं, वो हमें सिर्फ सिंगिंग नहीं सिखाते बल्कि हमें फेस एक्सप्रेशंस कैसे करने हैं, हाथों के एक्सप्रेशंस कैसे करने हैं, ऐसी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि आप गाना तो गा ही रही हैं, तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे, उसमें से आपका फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और क्यों? मुझे हारमोनियम बहुत पसंद है। अच्छा, और इसकी वजह? मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं गाना गाऊँ तो फिर मैं खुद ही हारमोनियम प्ले करके गाऊँ। अच्छा, तो हारमोनियम आपने सीख लिया है या सीख रही हैं? अभी मैं सीख रही हूँ। सीख रही हैं जी। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है? मुझे गिटार। गिटार पसंद है जी। तो बेसिकली ये हारमोनियम बड़ा जो है वो क्लासिकल एक समझा जाता है और बड़ा मुश्किल भी समझा जाता है, तो आसानी लग रही है आपको इसमें? जी बिल्कुल, आसानी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, वो मेरा फेवरेट है वो। अच्छा, ये आपने गाने तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल गा कर सुनाए हैं हमें, लेकिन इसके साथ साथ कोई एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी गाना लगता है, कि सिंगर कहता है कि जब मैं इसको अचीव कर लूँगा तो मैं समझूँगा कि मैंने लेवल अचीव कर लिया, वो कौन सा गाना है? कोई भी मतलब अगर राग वगैरह हो तो फिर वो मुश्किल थोड़ा सा लगता है।
अच्छा, इसीलिए तो फिर इतनी जल्दी वो सीखा नहीं जाता, लेकिन बाकी आसान है। जी बाकी आसान है। अच्छा, चलें आप आखिरी एक गाना सुनाते हैं, फिर आपसे हम इजाजत तलब करते हैं। जी। ए पुत्र हटा दे, पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, की लबनी विच बाजार खुड़े है तेने है मेरे दाता दी, ए तेने है मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊ नकद भी नहीं मिलदा, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लब दे फिरे उधार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विक दे। बहुत खूब अरीना, मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आज मैडम वो जहाँ हयात होती तो वो आपको सुनकर बहुत खुश होती। आप इसी तरह मेहनत करती रहिए, अपने प्रोफेशन में नाम कमाइए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। जी नाज़रीन, आपने बरीना नदीम की गुफ्तगू भी सुनी, उनकी सिंगिंग भी सुनी, और बिला शुबा ये टैलेंट का एक मुंह बोलता सबूत है कि इतनी यंग एज के अंदर जो मौसीकी को वो समझती हैं और जिस तरीके से सुर और ताल पर और जिस पेस पर और जिस इको पर जाके वो गाती हैं, यकीनन ये जो है टैलेंट का एक अमली मुजाहिरा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान में सिंगिंग के टैलेंट की भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।